हेलो दोस्तों, नमस्कार। के पी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी पैडागोजी का 30 क्वेश्चन का सेशन लगाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं, जिससे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भाषा सीखने में त्रुटियाँ होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, सेकेंड है उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, थर्ड है वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, फोर्थ है वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। जैसे कि भाषा सीखने में त्रुटियाँ जो होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं और समय के साथ वो दूर होने लगती हैं। इसके अकॉर्डिंग आंसर इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। पढ़ना कौशल से ये कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा है पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, सेकंड है केवल अक्षर पहचान, थर्ड है तेज गति से पढ़ना, फोर्थ है संदर्भ अनुसार अर्थ निर्णय करना। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर उच्चारित करना और संदर्भ गति से अनुसारित करना, तेज गति से प्रभावित करना, तो यहाँ पर एक फोर्थ में आया है, सॉरी फर्स्ट सेकेंड में आया कि केवल, ये क्या हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ तो हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं पढ़ने कौशल की, तो वो कैसा होना चाहिए, मतलब संदर्भ अर्थ अनुसार होना चाहिए, जैसे कि हम अर्थ ग्रहण करते हैं चाहे साथ ही साथ। तो इसके लिए हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही में। थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, दिख रहा है फिर भी। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, और यह इस ओर संकेत करता है कि सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है कि फर्स्ट ऑप्शन है उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, सेकंड है उसे केवल पाठ अभ्यास ही बहुत आवश्यकता है, थर्ड है सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है, फोर्थ है वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो जो सुलेखा है क्या एक छात्रा है जो कुछ जीवन को जिंदगी पढ़ रही है, तो उसका कारण क्या है, ये ऑप्शन में पूछा गया है यहाँ से ये वाला। जैसे कि हम बात करते हैं सुलेखा जो क्या कर रही है, अक्षर पहचान की बजाय वो अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, इसलिए वो जीवन को जिंदगी पढ़ रही है, ये इसका कारण है, इसलिए आंसर इसका हमारा हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं साथ में। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है। फर्स्ट ऑप्शन है एलएस बाइगोस्की, सेकेंड है इवान पेवलव, थर्ड है न्योमम चोमस्की, फोर्थ है जीन प्याजे। तो ये जो कथन है या विचार है उन्होंने कहा था, जैसे कि बच्चे क्या है भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये कहा गया था चोमस्की द्वारा बोला गया था कि जो बच्चे जो पैदा होते हैं वो भाषा के साथ पैदा होते हैं, उनकी क्षमता के साथ पैदा होती है, ये करेक्ट आंसर होगा। चोमस्की जी ने कहा है, बाइगोस्की जी ने ये कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक क्रिया के साथ में या इन्वायरमेंट के साथ में भाषा सीखते हैं। इवान पेवलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, जिन प्याजे ने विकास सिद्धांत दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मला यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण नियमों की जानकारी न होना, सेकेंड है नियमों का अति सामान्यीकरण, थर्ड है भाषा प्रयोग में असावधानी, फोर्थ है भाषा की समझ न होना। तो जैसे कि एक छात्रा है शर्मिला, तो उसने वो करी है मैंने चाट खाई फिर मैं हंसी, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रही है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछा गया। तो व्याकरण निम्नकरण की जानकारी ना होना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित कार्य की जाँच में बच्चों की सहायता लेने से फर्स्ट केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, सेकेंड है बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं, थर्ड है बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, फोर्थ है बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि बच्चे जो लिखित कार्य होता है उसकी जांच में सहायता लेने के लिए किस प्रकार से होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसे कि हम बात करते हैं तो बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलता है, अवलोकन करने की क्षमता का विकास होता है और उससे अवसर ही मिलता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
लोक गीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है लोक गीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, सेकंड है लोक गीत गाए जा सकते हैं, थर्ड है केवल लोक गीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, फोर्थ है इससे बच्चे सांस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो यहाँ लोकगीतों की बारे में बात हो रही है, लोकगीत जैसे कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्यों दिया जाना चाहिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको अगर हम बात करते हैं इससे बच्चे क्या संस्कृत विशेषताओं से परिचित होते हैं, क्योंकि लोकगीत जो होते हैं हमारी संस्कृत से जुड़े हुए होते हैं, उससे क्या बच्चों से सीखने के लिए मिलता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही साथ में पढ़कर या पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न पढ़वाने से फर्स्ट ऑप्शन है इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं, सेकंड है शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, थर्ड है कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, फोर्थ है प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने के से क्या होता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई तक समझा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट सेकंड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं बेल आइकन प्रेस कर रहे हैं जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहेंगी। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। देखो तो शीटेट में नेगेटिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें नेगेटिव में ही आंसर देना होगा और क्वेश्चन को बी केयरफुली पढ़ना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव में तीन ऑप्शन दिए गए हैं, एक नेगेटिव में दिया गया है, तो चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सभी बच्चों को भाषा सुनने का प्रवेश मिलता है, सेकंड है सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, थर्ड है बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, फोर्थ है सभी बच्चों की क्षमता अनुसरण कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो यहाँ पे हमें आंसर देना है नेगेटिव में, तो यहाँ पे जो आंसर इज नेगेटिव होगा सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। थोड़ा चेक करेंगे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्वेश्चन पे, यहाँ मुझे आंसर फोर्थ वाला नहीं लग रहा, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है कि कहानी कथन, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि कहानी कथन आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है, नहीं पूछा है। तो जैसे कि हम बात करें यहाँ पे सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है वो कहानी कथन से ही होता है, ठीक है, और अगर ये बात करें शब्द भंडार तो ये कहानी कथन से ही मिलता है। अगर ये हम बात करें क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है तो ये भी इसके अकॉर्डिंग ही लग रहा है, मुझे थोड़ा इस पर ही डाउट जा रहा है कि ये इसका आंसर हो सकता है, और प्रवेश मिलता है ये तो हमारा ये पॉजिटिव में, ये भी हमारा पॉजिटिव में और ये भी हमारा पॉजिटिव में है, और मुझे दोनों में फर्स्ट थोड़ी सेकेंड और फोर्थ में थोड़ा डाउट है। मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस वाले क्वेश्चन में मुझे, क्योंकि लग नहीं रहा कि ये क्वेश्चन है। वैसे अभी हम मान के चलेंगे फोर्थ वाला, पर एक बार ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसका आंसर सही क्या है, कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, क्योंकि यहाँ नहीं में दे दिया, अगर उचित है तो पॉजिटिव होता ही होता, मगर यहाँ नहीं में दिया इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। तो आंसर ये भी यहाँ फोर्थ लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन इसमें पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ में, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसे। एल एस बाइगोसी के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, सेकंड है भाषा चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, थर्ड है भाषा एवं चिंतन एक दूसरे स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, फोर्थ है भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो एलन बाइगोसकी जो कहते हैं वो कहते हैं कि भाषा एक क्या है, अर्जित योग्यता है, क्योंकि हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें भाषा वहाँ से प्राप्त होती है, तो ये क्या है सहज व स्वाभाविक रूप से अर्जित की जाती है, इसका इसलिए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये भी क्वेश्चन क्या है नेगेटिव पूछा है, तो आंसर भी उसी हिसाब से देना है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, सेकंड है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, थर्ड है भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन या अध्यापन अधिक या सहायक होता है, फोर्थ है समृद्ध भाषा प्रवेश भाषा जित करने में सहायक होता है। तो ये भी हमारा फोर्थ की है पॉजिटिव में और ये भी हमारा पॉजिटिव में,
तो ये तुम्हारे आंसर नहीं होंगे। अगर यहाँ पे बात करें थर्ड वाले में, जैसे थर्ड वाला भी बोल रहा है कि भाषा सीखने में अंत विषयों का अध्ययन अध्यापन, तो ये हमारा नहीं लग रहा मुझे। फोर्थ वाला होगा हमारा, ये फोर्थ वाला पॉजिटिव में लग रहा है, और ये अधिगम वाला ये भी हमारा पॉजिटिव में। यहाँ पे केवल दे दिया गया कि यहाँ पे केवल शुद्धता पे ही बल दिया था, ये सही बात है। तो यहाँ पे केवल से नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, तो ये हमारा यही नहीं होगा, थर्ड वाला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट क्वेश्चन जरूर बताएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट क्वेश्चन जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुभाषिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? फर्स्ट ऑप्शन है अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, सेकेंड है भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होने चाहिए, परिवेश या भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा जिनकी सहज स्थिति बन सके, फोर्थ है बच्चों में भाषा जिनकी क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुसांस्कृतिक या बहुसांस्कृत भाषा पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने की कौन सा विचार उचित है, उचित पूछा गया मतलब पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं तो ये क्या हमारा, तो यहाँ पे किस प्रकार से लेंगे कि भाषा परिवेश निर्माण किया जाए जैसे ताकि अर्जन करने में सहज स्थिति बन सके, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही साथ में। स्वलीन विकार या ऑस्टेनिक डिसऑर्डर में बच्चा, फर्स्ट ऑप्शन है अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सेकेंड है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, थर्ड है अक्सर खाने से मना कर देता है, फोर्थ है अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो स्वलीन जो विकार होता है वो किस प्रकार का होता है, या ऑस्टेनिक या डिओस्टियो ऑर्डर में बच्चे को पूछा गया। तो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें बच्चा तो सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण कठिनाई को अनुभव करता है, क्यों समाज के साथ में अंतःक्रिया करने में और पढ़ाई या सीखने में क्या कठिनाई करता है, तो अनुभव करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको अगली वीडियो मिलती रहेंगी। भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम, फर्स्ट ऑप्शन है भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, सेकेंड है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, थर्ड है मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, फोर्थ है बोलना कौशल पर बल देता है। तो भाषा शिक्षण संप्रेषण के बारे में उपागम पूछा गया है, उपागम क्या है, तो इसकी हम बात करते हैं। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है कि भाषा में अच्छी तरह से आनी चाहिए, इस द करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी विधि को सीखने पर बल देती है। क्वेश्चन बोला गया है कि भाषा शिक्षण है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना ही दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। फर्स्ट ऑप्शन है दोभाषी विधि, सेकंड है अनुवाद विधि, थर्ड है व्याकरण एवं अनुवाद विधि, फोर्थ है प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पर जैसे बात करें यहाँ पे कि जो दूसरी भाषा को मध्यस्थ बनाए ना सीखने पर जो बल देती है वो कैसी हो, वो प्रत्यक्ष विधि होती है, क्योंकि हमें डायरेक्टली कोई चीज़ सीखने की मिल रही है तो हमें यहाँ किसी अनुवाद करने की या दोभाषी विधि की या व्याकरण अनुवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्टली हमें चीज़ें दिखाई जा रही है और उससे हमें सिखाया जा रहा है, तो प्रत्यक्ष विधियाँ सबसे बेस्ट होगी। तो यहीं पर हमारा सेशन समाप्त होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहेंगी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।